हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को एमडी टेक्निकल वर्ल्ड में स्वागत है। आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं अपना न्यू वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में कुछ कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स की डिस्कस करने वाला हूँ जो कि ऑल कंप्यूटर इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन की देखते हैं। F1 हेल्प के लिए होता है, F2 रीनेम के लिए होता है, जैसे कि किसी फाइल या फोल्डर का नेम चेंज करने के लिए F2 का यूज करते हैं। F3 सर्च कमांड के लिए होता है, F4 जिसे ऑल प्लस F4 प्रेस करेंगे हम जिस भी विंडो पर काम करते हैं उसे हम क्लोज कर सकते हैं Alt+F4 के थ्रू। F5 रिफ्रेश के लिए होता है, F12 सेव एज के लिए होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये शॉर्टकट्स की MS ऑफिस एंड अदर सॉफ्टवेयर में यूज किए जाते हैं। Ctrl+A सिलेक्ट ऑल, जैसे कि किसी फाइल या किसी डाटा को Ctrl+A से सिलेक्ट कर सकते हैं। Ctrl+B बोल्ड करने के लिए होता है, Ctrl+C कॉपी करने के लिए होता है, Ctrl+D फॉन्ट के लिए होता है, Ctrl+E सेंटर के लिए होता है। जैसे कि एमएस वर्ड में अगर टेक्स्ट को हम सेंटर में लाना चाहते हैं तो Ctrl+E का यूज कर सकते हैं। Ctrl+F फाइंड के लिए होता है, किसी चीज को खोजने के लिए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। Ctrl+G गो टू के लिए होता है, Ctrl+I इटैली के लिए होता है, Ctrl+J जस्टिफाइड के लिए होता है, Ctrl+K हाइपरलिंक के लिए होता है, Ctrl+L लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होता है, Ctrl+M मूव के लिए होता है, Ctrl+N न्यू फाइल ओपन करने के लिए होता है, Ctrl+O ओपन फाइल करने के लिए होता है, Ctrl+P प्रिंट के लिए होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और अभी तक मेरे चैनल के बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं अपना न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। Ctrl+Q क्लोज करने के लिए होता है, जैसे किसी विंडो को हम क्लोज करना चाहते हैं तो Ctrl+Q का यूज कर सकते हैं। Ctrl+R रीडो या राइट अलाइनमेंट के लिए होता है, Ctrl+S सेव एज के लिए होता है, Ctrl+U अंडरलाइन के लिए होता है, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए होता है, किसी कट या कॉपी की हुई चीज को पेस्ट कर सकते हैं Ctrl+V के थ्रू, Ctrl+X कट कर सकते हैं किसी फाइल या फोल्डर या टेक्स्ट को, Ctrl+Y रीडो करने के लिए होता है, Ctrl+Z अंडू करने के लिए होता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड का काम करते हैं, जैसे कि आगे और पीछे जाने का काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।